हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा। मैं विनय। मैं मनोज। तो फ्रेंड ये लीजिए, आज हम हाजिर हैं अपने चैलेंज में। और फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हो सर्दियों का मौसम है, तो फ्रेंड्स उसी के हमने चैलेंज रखा है और हमारे पास एकदम ब्रांड न्यू एकदम नई रेसिपी आज हम ट्राई करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वो क्या है वो आप देख सकते हो, हमारी प्लेट में ये नान पकौड़ा रखे हैं और नान पकौड़ा कितने बड़े बड़े हैं और आप देख सकते हो ढेर सारी वेजिटेबल्स और एकदम मस्त तरीके से सिके हुए हैं। ये सर्दियों के मौसम में खूब खाए जाते हैं, मैं पहले आपको बता देता हूँ। आपने नहीं कभी खाया हो तो फ्रेंड्स आप ट्राई कर सकते हो, इसकी रेसिपी मैं आपके शेयर कर दूंगा। बाकी मेरे खाने इतने मस्त इतने लजीज होते हैं, क्या बताऊँ फ्रेंड्स। नान पकौड़ा, नान पकौड़ा आप पहली बार नाम सुन रहे हो तो फ्रेंड्स आप घबराओ मत, सच में ही खाने बहुत टेस्टी होते हैं। उसके साथ में मैंने क्या रखा है फ्रेंड्स, इसके साथ में मैंने इमली वाली चटनी रखी है और फ्रेंड्स ये चॉकलेट सॉस रखी है। चॉकलेट सॉस इसको भी नाम सुन के घबराए मत, हम आपको बता देंगे कि कैसे बनाइए सॉस। तो उसके साथ में सर्दियों के मौसम में चाय तो होनी चाहिए गर्मा गर्म, प्लस पानी भी है प्यास लगे प्लस पानी भी है प्यास लगे। तो विनय भाई इन पकौड़ों को देख के क्या सोच रहे हैं? विनय भाई देखो, मनोज भाई पहली बार ट्राई कर रहे हैं, मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ और विनय भाई पहली बार ट्राई कर रहे हैं इन पकौड़ों को। अभी रुकिए गाड़ी तो फ्रेंड देखने में तो इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने लजीज लग रहे हैं कि खाने में कुछ खाने में भी होंगे एक्सपेरिमेंट आने वाला है। मैं तो मनोज भाई से पूछूंगा, मनोज भाई मैंने इनवाइट किए इन स्पेशल पकौड़ों खाने के लिए सही। तो आज मनोज भाई पूरा पूरा एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, नई बिल्कुल उनके सामने एकदम नई रेसिपी रखी है, कभी नहीं खाई उनने। कैसा लग रहा है देख के? मेरे मुँह में तो देख कर पानी आ रहा है ना, आप देख खाकर ही पता चलेगी कैसे। पानी तो मेरे मुंह में भी आ रहा है, सच में ऐसा मैंने कभी नहीं खाए। तो फ्रेंड्स मैं ढेर सारी में वेजिटेबल्स आ रहे हैं, मिक्स वेज वेजिटेबल पकौड़ा नान पकौड़ा बोल सकते हैं हमने वही है फ्रेंड। और फ्रेंड्स हमने ज़्यादातर इतने बड़े तक पकौड़े खाए और ये तो काफ़ी बड़ा पकौड़ा आप देख सकते हो, एकदम पिज्जा टाइप में लगेगा आपको, पिज्जे के ऊपर से ये वेजिटेबल लगाई है, नान भी होती है इसकी तरह सेम। ठंडी हो रही है मेरे हिसाब से, तो जल्दी से इतनी चैलेंज को स्टार्ट करते हैं, देखते कौन जीतता है और जो हारेगा उसे मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी सजा दी जाएगी। तो 3-2-1 गो। मैं तो आराम से खाऊंगा। तो मैं देख सकते हो ये अंदर से नान, ये पकौड़े हैं पकौड़ा है खाने में कैसे? मस्त ना, मजे आ गए। नहीं कैसे लगे? ओके ओके, इमली की चटनी से बढ़िया लग रहा है। तुरा कुछ चॉकलेट पसंद है? चॉकलेट मिल जाएगी मुझे, चॉकलेट इमली। वाओ
पकौड़े के फादर नजर आ रहे हैं मुझे, पापा पकौड़े के पापा हैं। पापा पकौड़ा मम्मी पकौड़ी फ्रेंड्स सही में पांच पकौड़े खाना ही बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, इतने हैवी होते हैं। सही से बात हो आपको, मैं अपने हिसाब से पांच पकौड़े भी ज़्यादा रख लिए। चाय ये भी चाय मिर्ची तो मैंने सही में ज्यादा डाली है, काफी स्पाइसी पकौड़े है। नहीं मेरे पकौड़ों में ज्यादा डाली है लगता है। बनाए तो सभी साथ में ही है। वाकई में पकौड़े इतने हैवी हैं कि ना खाने के बाद कोई भी मांग जाए अच्छी तरह से कि मुझे वही चाहिए वो नहीं चाहिए, ये तो खत्म, खेल खत्म, किस्सा खत्म, बहुत हैवी है। ये लगता मैं और खा पाऊंगा। तो फ्रेंड्स मेरा चांस है जीतने का भी जादू चीज होती है और सब चीज कर दिया। मेरा चांस है अभी जीतने का क्योंकि मैंने गाय पर दूंगा जादू से। तो फ्रेंड्स वो आ गई मैं इन पकौड़ों का खाना, बहुत हैवी पड़ा, खाने में टेस्टी थे, इमली की चटनी के साथ खाओ। लेकिन फ्रेंड्स एक जना एक पकौड़े से ज़्यादा ना खाए, और मुझे पक्का पता है उससे ज़्यादा खा भी ना पाए। लेकिन फ्रेंड्स एक पकौड़ा खाया तो उसमें इतने आनंद आए कि क्या बताऊँ। लेकिन उसके दूसरे वाले पकौड़े पर टूट पड़ो तो फ्रेंड्स पेट में हलचल होने लग जाती है, काफ़ी हैवी हो जाता है, पेट भर सा जाता है एक ही पकौड़ा खाने के बाद।
काफी हैवी होता है, आप देख सकते हो बहुत हैवी। मेरे तो हो रही है हल्की पेट में, पकौड़े में दम है। नॉर्मल पकौड़े से इसका टेस्ट कुछ अलग ही आ रहा था। मैं तो कह रहा हूँ काफी अच्छा भी लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बिना ये दमे जो उनने 5 पकौड़े खत्म कर दिए, बस ये मैं कह रहा हूँ। बाकी मेरा एक पकौड़ा रह गया और मैंने कहा कि 2 पकौड़े रह गए, तीसरा चल रहा है अभी, तीसरा चल रहा है तीसरा खत्म करके रहेंगे, लेकिन मेरी और हिम्मत नहीं है और मैं खाऊँ। चलिए अब बिना सजा देंगे हम दोनों को, अब देखते हैं क्या देते हैं, अब तो सजा के काबिल है। तो चलिए बढ़ते हैं पनिशमेंट की ओर। एक हट्टा काट जल्दी हम ला, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, 16 मिनट की होगी। आलू कच्चा, आलू कच्ची, गोभी कच्चा, बैगन, कच्ची लौकी, तो फ्रेंड्स ये सारी सब्जी करवा चौथ आटा क्यों डाल लो उसमें चॉकलेट। ये कौन सी डिश है भाई, खाए जी भाई डिश, ये कौन सी डिश है? कौन सा कोक मलाई कोफ्ता है? मेरा वाला मलाई कोफ्ता है। आगे 4 चांद लग जाएंगे। वो तो लगा जाएगा। पहले इन्हें आटा चॉकलेट मलाई कोफ्ता बना दिया हमारे लिए। पका के तो लगा होगा। पेट में जाके पक गया। पेट में जाके पकेगा। है ना? ये अच्छा लग गया होगा। हाँ। ये भी पका। वो कहाँ चाकू? कहाँ से लाएंगे? डालो स्वाद आएगा नहीं हुआ। हाँ मजा आ गया। नहीं चलता मैं नहीं काटती ऐसे खा रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है फल खा रहे हैं। वाह मजे। तो बिनाई ने ये भी डिश एकदम मस्त बनाई देगा है। तो बिना इसमें फेल होते हैं पूरी तरह से। चॉकलेट में थोड़ा आटा डाल के, चॉकलेट डाल के और सब्जियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं। आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लग रहा है मुंह में पानी आ रहा है इनके लिए। बोला तो चॉकलेट में मिलावट आटे ही कर देते होंगे, सेम वैसा लग रहा है। आज की डिश तो उल्टी हो गई। मजे देती है सजा की, मजे देती है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छी आलू, अच्छी भिंडी, मजा आएगा। हम पनिशमेंट पास करते हैं बिन भाई। ऐसी पनिशमेंट देते रहो तो हमें किसकी दिक्कत हो? किसी की नहीं, आराम से खाएंगे बैठ के। आज का उल्टा हिसाब किताब हो गया, मैंने सोचा कुछ हो गया। तो बन चलिए, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो। तो बन चलिए आज के लिए बाय बाय।